आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। है के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आज अंगमल निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बुद्धसेनपुर में रोड का विवाद कई वर्षों से चल रहा है। राकेश यादव का कहना है कि हमारे पड़ोसी श्याम जन्म पुत्र रामदरस राम गिरीश व राम जगत पुत्र रामपति व पंकज पुत्र राम गिरीश रोड बनने नहीं दे रहे हैं। कई बार वहां पर निजामाबाद के आला अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उनसे भी बदतमीजी करने लगे। उन लोगों का कहना है कि जमीन हमारी है, हम इस रोड को नहीं बनने देंगे। वहीं राकेश यादव का कहना है कि 8 बिस्वा जमीन बंजर की है जो ये लोग कब्जा कर रखे हैं और रोड भी नहीं बनने दे रहे हैं, जिससे पूरा गांव का आगमन बाधित है। राकेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा पूरा परिवार भयभीत है क्योंकि विपक्षी गढ़ के लोगों का निजामाबाद थाना व सरायमीर थाना में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यह लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, हमें और हमारे परिवार को बार बार धमकी देते रहते हैं। हम आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा मामला निस्तारित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। क्या नाम है आपका? हमारा सब नाम राकेश है, बुद्धसेनपुर से हम हैं। क्या समस्या है? हमारी सर यही समस्या, हमारा विवाद है, रास्ते का मैटर है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। मौके पे कई अधिकारी द्वारा वहाँ पे गए भी हैं और श्याम जन्म हैं, राम गिरीश हैं, राम जगत हैं, ये लोग हमारे रास्ते को अवरुद्ध किए हैं। जिस रास्ते से कई घरों का आना जाना होता है वहाँ पर कई अधिकारी द्वारा गए हैं, वहाँ पर समस्या का समाधान गाँव वासियों को देख रेख में हो गया है, लेकिन कई बार समस्या का समाधान कराया गया लेकिन विपक्षी मानने को लोग तैयार नहीं है। दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, हमेशा हमको डर लगता है कि कभी कुछ घटना घट जाएगी। और रामगिरीश जो है सर, इसके ऊपर कई धाराओं में सरायमीर में भी 2003 में मुकदमा दर्ज है लूट हत्या का, और इसके बाद 2004 में निजामाबाद थाने में भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। आज भी NCR वगैरह सभी इनका थाने में दर्ज है। जो राम जगत हैं सर, ये भी लोग अवैध धंधा करके अपना जीविका चलाते हैं। हम सर एकदम डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं लोग। इसकी शिकायत आप निजामाबाद SDM महोदय की सर? इसकी शिकायत SDM महोदय का हुई? हाँ सर, SDM महोदय वहाँ मौके पे गए थे, समस्या का समाधान हो गया था। वो थोड़ी सी रास्ता देने के लिए तैयार था, 4 या 5 मीटर जो भी था। हम अपनी ज़मीन से 4 या 5 जरीब लंबी रास्ता दे रहे हैं पूरे ग्राम वासियों को आने जाने के लिए। जी आप क्या बोल रहे हैं? अब सर यही है कि वो रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं, लोग दबंगई पर उतर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बदमाश अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। हमको सर बहुत डर लगता है, हमें न्याय मिलना चाहिए सर कि हमारा रास्ते का विवाद निस्तारण हो सर।